वेलकम टू यू प्रदीप डीडीयू। प्रदीप डीडीयू के चैनल पर पुनः एक बार आपका स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड अधिक से अधिक शेयर करिए। दोस्तों आज 20 मई 2020 के जो भी मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर एक, विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 10 मार्च, ऑप्शन नंबर 2 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर 3 20 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 4 17 मई। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट, 17 मई। प्रश्न नंबर 2, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र राज्य के सभी जिलों में आईपीसी की धारा 144 तीन महीने के लिए बढ़ा दी है? ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 2 बिहार, ऑप्शन नंबर 3 पंजाब, ऑप्शन नंबर 4 झारखंड। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट, छत्तीसगढ़। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 73वीं दो दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 3 अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर 4 जिनेवा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट, जिनेवा। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय डेंगू दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 15 मार्च, ऑप्शन नंबर 2 18 जनवरी, ऑप्शन नंबर 3 16 मई, ऑप्शन नंबर 4 25 जून। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट, 16 मई। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 5, भारत सरकार COVID-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षणिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की? ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री ई विद्या, ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री पढ़ो विद्या, ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री सुचारू शिक्षा, ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री पढ़ो भारत। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट, प्रधानमंत्री ई विद्या। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 6, किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेट लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 पंजाब, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट, कर्नाटक। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 7, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर 2 20 फरवरी, ऑप्शन नंबर 3 17 मई, ऑप्शन नंबर 4 11 मार्च। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट, 17 मई। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 8, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवाएं शुरू की है? ऑप्शन नंबर 1 बिहार, ऑप्शन नंबर 2 झारखंड, ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट, राजस्थान। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 3, ऑप्शन नंबर 4 2। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने सुपर अर्थ की खोज की? ऑप्शन नंबर 1 न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर 2 चीन, ऑप्शन नंबर 3 नेपाल, ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट, न्यूजीलैंड। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
दोस्तों प्लीज़ चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने दोस्तों में इसको अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए नेक्स्ट टाइम हम अच्छी वीडियो ले आते रहें। और अपना कमेंट करिए, अपना सजेशन दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।